दोस्त को मौत के मुहाने पर देखा तो आंखों से आंसू छूट गए, जिसके साथ कामयाबी का सफर तय किया, जो सुख दुख में साथ रहा। आज जब उसका साथ छूट रहा है तो आंखों से आंसू झटक रहे हैं, दिल फटा जा रहा है। जितेंद्र का हाल कुछ ऐसा ही हो गया जब उन्होंने एक्टर जूनियर महमूद की ये हालत देखी। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर कॉमेडियन जूनियर महमूद फोर्थ स्टेज कैंसर पर हैं। किसी भी वक्त उन्हें लेकर बुरी खबर आ सकती है। इंडस्ट्री में महमूद की खबर आने के बाद मातम पसरा हुआ है। जिसे भी खबर मिल रही है महमूद के लिए दुआएं कर रहा है। हाल ही में महमूद ने अपने पुराने दोस्त जितेंद्र से मिलने को कहा। जितेंद्र को नहीं पता था कि महमूद इस हाल में है। मिलने की खबर जैसे ही जितेंद्र को पहुंचाई गई वो दौड़े चले आए, और जब उन्होंने महमूद की हालत देखी तो आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। जितेंद्र खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोस्त का हाल देखकर दिल दहल चुका था। जॉनी लीवर लगातार महमूद के साथ बने हुए हैं। इस वक्त वही महमूद का ख्याल रख रहे हैं। एक्टर्स लगातार महमूद से मिलने आ रहे हैं। उनकी हालत किसी से देखी नहीं जा रही। 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके जूनियर महमूद ने बचपन में ही फिल्मों में कदम रख दिया था। उन्होंने अमिताभ, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, अशोक कुमार, जितेंद्र जैसे बॉलीवुड महानायकों के बचपन के रोल निभाए। पिछले 56 साल से वो इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। जब वो 10 साल के थे तभी फिल्मों में आ गए थे। खुद महमूद ने उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें अपना नाम दिया और उन्हें जूनियर महमूद का खिताब दिया। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सईद है। उन्होंने साल 1966 में फिल्म मोहब्बत जिंदगी से अपने करियर की शुरुआत की। वो परिवार, प्यार ही प्यार, चंदा और बिजली, दो रास्ते, कटी पतंग, घर घर की कहानी, आन मिलो सजना, आज का अर्जुन, आग के शोले सहित 350 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आए। आखिरी बार उन्हें साल 2019 में सब टीवी के सीरियल तेनालीराम में देखा गया था। महमूद के पास कुछ वक्त ही बचा है। हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं।